नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। आज बिहार के लाल राजेंद्र बाबू की 134वीं जयंती, पुरस्कृत होंगे मैट्रिक और इंटर के 43 टॉपर। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में बड़ा फर्जी 162 शिक्षक हुए बर्खास्त। सृजन को दी गई जमीन छीनेगी, 8 विभागों के 919.41 करोड़ रुपए की वसूली अब कोर्ट से होगी। बिहार का पहला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। नीतीश कुमार ने कहा, बिना बेटियों की दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए कभी उनसे भेद मत कीजिए। कुशवाहा ने कहा, बीजेपी ने बिहार में नीतीश के आगे घुटने नहीं टेके, एनडीए की पतवार भी सौंप। उपेंद्र कुशवाहा ने रखी 25 सूत्रीय मांग, तो जदयू के प्रवक्ता ने कहा, वर्तनी और व्याकरण ठीक कर लेते। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह ने कहा, शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है, जिन्हें नहीं दिखता वो आंखें चेक करवा लें। जगन्नाथ शाही ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था सत्ता में आए तो राम मंदिर बनवाएंगे, अब वो अपना वचन निभाएंगे। सीएम ने मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। चुनाव से पहले गठित 22 नेताओं पर पार्टी की गिरी गाज। कृति झा ने किया चैलेंज, बोले मिथिला विरोधी सुशील मोदी में दम है तो मेरे खिलाफ दरभंगा से लड़े चुनाव। मैथिली ठाकुर बनी निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, इस वर्ष पूरा हुआ 18 साल। चंद्रवंशी समाज के लिए मंत्री प्रेम कुमार ने मांगा आरक्षण, कहा SC ST में शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल से अपहृत नाबालिग किशनगंज से हुई बरामद। मुजफ्फरपुर में घूम रहे स्पेशल सेवन, मौका मिलते ही घरों को कर देते हैं साफ। छपरा में अवैध शराब बनाने वाले पर चला पुलिस का डंडा, कई भट्टियां ध्वस्त। शहीद राम गोविंद सिंह के नाम पर बनाया गया रेलवे हॉल, श्याम रजक ने किया उद्घाटन। पूर्णिया कॉलेज की अनोखी पहल, पिछड़े अति पिछड़ों को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं कराएगी तैयारी। बिहार में 121 SI को मिला प्रमोशन, बनाए गए इंस्पेक्टर। इसे दिन भर की बिहार की बीच बड़ी खबरें, हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक बने रहें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडे फॉर मोर न्यूज़।